हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद नन्नाथ और मैं हूं डॉक्टर नन्नाथ। आज इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एनटीए नेट, आपको बता दूं एनटीए नेट ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल थॉट। हाँ, साउंड आ रहा है क्योंकि चेक कर रहा था मैंने। वेलकम टू ऑल, आज सबको सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल। आप सबको होली के ढेर सारे शुभकामनाएं। और आज ये सेशन जो है जियोग्राफिकल थॉट, बेसिकली जिन लोग नेट एग्जाम देने जा रहे हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि नेट की अच्छा प्रिपरेशन लेना है। और ये जो थॉट के क्लास है, या बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम सामने रखेंगे मॉडल पेपर, जिसमें आप कमिंग ईयर में कमिंग मतलब एनटीए नेट जो देने जा रहा है, जो एग्जाम परीक्षार्थी, उसके लिए बहुत ही अच्छा होगी। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबको स्वागत करते हैं। और इससे पहले आप लाइव चैट ऑन है, आप चैट कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लास आपके सामने हम ला रहे हैं और लाइव क्लास इस तरह चलते रहेगा। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, हमारे चैनल में अगर आप नया है जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल ऑल बटन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। चलिए सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मैप आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, हु स्टार्टेड दैट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैप्स आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, हु स्टार्टेड दैट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एरविन राइज, आपका फिंच या आपका डेडली स्टैम, तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब है, तो बता दूं ये है फ्रेंच एंटिओर्था जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंच एंटिओर्था। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन में चलेंगे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैचिंग है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन जो है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैचिंग क्वेश्चन को आपको करना होगा। यहाँ पे मैं कमेंट बार बार वो हो रहा था मैं लाइव को। हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है, मेरा आवाज भी आ रही है। तो फर्स्ट जो मैचिंग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर नेम, क्योंकि थॉट में इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक तरफ आपका ऑथर नेम है और कौन सा बुक लिखे हैं, जैसे किताब उल हिंद, आपका कसमस, आपका अर्धकुंड, आपका दस असलैंड, तो यहाँ पे हम्बोल्ट, रिटर, ऑस्कर प्रेसल, अलबिरुनी, कौन किसका बुक लिखे हैं। यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है और यहाँ पे एक दो तीन चार जो ऑथर नेम भी दिया गया है, तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए मुझे लगता है ये है आपका, आपको हम बताएंगे बार बार इसमें ये हो रही है। सही जो जवाब है यहाँ पे कि किताबुल हिंद जो है, किताबुल हिंद कौन लिखे थे, अलबेरूनी लिखे थे, और कॉस्मोस जो है वो कौन लिखे थे, हम्बोल्ड लिखे थे, और अर्धकुंड जो है वो रिटर ने लिखे थे, ठीक है, और आपका दस असलैंड जो है वो ऑस्कर फ्रासल ने लिखे थे, तो इसका मैचिंग सही जवाब जो है 4 1 2 3, ये जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिल रही है यहाँ पे, इमानुएल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट, बेसिकली यहाँ पे स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट वाज, स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट जो है ये फेरिनियस ने या निकोलस ने या कॉपरनिकस ने या इमानुएल कांट ने या नान ऑफ दिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगी आपको बता दूं ये है आपका इमानुएल कांट ने, इसका सही जवाब इमानुएल कांट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन में हम जाएंगे, द मुकदमा जो है ये कई बार क्वेश्चन आया, द मुकदमा जो है वाज ऑथर्ड बाई इवन हवकल लिखे हैं, वाल इदरीसी लिखे हैं, इवन खालदुन लिखे हैं, या इवन मकदिसी लिखे हैं,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका जो सही जवाब होगी, इबन खालदून ने लिखा था, इसका आपका याद रखना होगा। नेक्स्ट हम अनदर क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वेयर द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ द पीरियोडिक नेचर ऑफ द मॉनसून। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हु वेयर द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ द पीरियोडिक नेचर ऑफ द मॉनसून, अर्थात यहाँ पे पीरियोडिक नेचर ऑफ द मॉनसून कौन फर्स्ट यहाँ पे आइडिया दिया था? द फ्रेंच अरब ने दिया था, ग्रीक जियोग्राफर ने दिया था, या रोमन ने दिया था? तो ये जो प्रश्न है, इसका आपका सही जवाब कौन दिया था? ये आपका अरब ने दिया था, अरब अरब जो है उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी एट साग्रेस नियर द केप सेंट विंस जो है वाज एस्टैब्लिश, कब हुआ था? ये मोरक्को पोलो में, या क्रिस्टोफर कोलंबस ने, या प्रिंस हेनरी के द्वारा, या यहाँ पे दो और तीन जो है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस या प्रिंस हेनरी? तो यहाँ पे जो सही जवाब है आपका प्रिंस हेनरी जो है, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर है। प्रिंस हेनरी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट जो है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स मीन्स, क्या मीन्स है हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का? तो यहाँ पे सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या यूनिवर्स इज जियोसेंट्रिक, या ऑल द प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे जो है ऑल द प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन, ये जो है आपका सही जवाब होगा, ऑल द प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम्बोल्ट इज कंसिडरेड एज द फाउंडर ऑफ, हम्बोल्ट जो है ये मॉडर्न जियोग्राफी, प्लांट जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ऑल ऑफ दिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है, बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ पे हम्बोल्ट के ऊपर, और इसका सही जवाब होगा कि इन्होंने सब ये प्लांट क्लाइमेटोलॉजी से लेके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव जो है आपका सही जवाब होगी। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन में हम जाएंगे। यहाँ पे अनदर क्वेश्चन जो है, भास्कर दा गामा, भास्कर दा गामा जो है रीज इंडिया थ्रू, भास्कर दा गामा जो आए थे कौन सा यूज किए थे? स्वेज कैनल, गल्फ ऑफ सलाम, केफ हॉर्न, या नॉन ऑफ दिस? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भास्कर दा गामा। तो यहाँ पे आपका केप हॉर्न जो है सही जवाब होगी, आपका केप हॉर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। व्हिच फ्रेंच एक्सप्लोरर ड्यूरिंग द लुइस नाइन टू जर्नी टुवर्ड्स सोवियत रशिया, सेंट्रल एशिया एंड मंगोलिया? बेसिकली ये जो प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे क्या होगी? द मार्चन होगी, विलियम रवरिग होगी, या क्लोविस होगी, या पार्फिलो होगी? देखिए इसका जो आंसर होगी, ऑप्शन आपका टू जो है सही आंसर है कि विलियम रवरिग, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है विलियम रवरिग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग जियोग्राफर, ही रोड द बुक अल्मगेस्ट, ही डिस्कवर द स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ही मॉडिफाइड द कॉनिकल प्रोजेक्शन, कौन? स्टेबो ने किया था, या आपका टॉलेमी ने किया था, हिप्रोकस ने किया था, या प्रिन ने किया था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगी आपका कि टॉलेमी ने किया था, लवी या टॉलेमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे यहाँ पे कि थेल्स एंड अलेक्जेंडर, थेल्स एंड अलेक्जेंडर आर जनरली रिकॉग्नाइज एज द फाउंडर ऑफ कल्चरल जियोग्राफी, द फाउंडर ऑफ रीजनल जियोग्राफी, द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी, द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थेल्स एंड अलेक्जेंडर आर जनरली किससे जुड़ी हुई है, कौन सा फाउंडर है ये? ये बेसिकली फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी, यस मैथमेटिकल जियोग्राफी जो है, द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका द वर्ल्ड जियोग्राफी वॉज यूज, वर्ल्ड जियोग्राफी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड जियोग्राफी जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था, कौन किया था? यहाँ पे एराटोस्थनीस ने किया था, या कांड ने किया था, कि एरिस्टोटल ने किया था, या थाइसिडिस ने किया था?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये सबको पता होगा कि ये है आपका एराटोस्थीनिस ने किया था, ये कौन किया था, एराटोस्थीनिस ने किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डैश यहाँ पे मे बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पैटर्न एज ए होल और ए पार्ट ऑफ इट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि द मे बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पैटर्न एज ए होल और ए पार्ट ऑफ इट। स्केल है, डायग्राम है, मैप है, मैप प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है उसको आपको लिखना है, क्योंकि थॉट में काफी इस तरह क्वेश्चन आ रहा है अभी परीक्षा में, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका पता होना चाहिए, ये है मैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज सब होली के त्योहार मना रहे हैं, और मैं सोचा कि मेरे पास ऐसे टाइम कम रहता है, तो ये लाइव क्लास में ऑलरेडी जियोलॉजी का दिया हूँ, लास्ट लाइव क्लास थॉट, कमिंग लाइव क्लास संडे को होगी, वो जियोग्राफिकल आपका सॉरी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर होगी नेट के, तो पूरे सिलेबस हमारे चैनल में आपको मिलते जाएगा। अगर आप हमारे चैनल नया है जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल ऑल को प्रेस करें, ताकि इस तरह वीडियो आपको नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, ये सबको पता है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोलते हैं, वो है हेकेटियस। कई लोग गलत करते हैं इसका आंसर, पता नहीं भूगोल को किस तरह इन लोग पढ़ते हैं, पूरे गलत आंसर दे देते हैं ये क्वेश्चन का, इसलिए मैंने रखा। द जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी वॉज रिटन बाय, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी जो है वो कौन लिखा है। लाइव चैट ऑन है, यहाँ पे एस एम आली ने लिखा है, ये स्टेलर ने लिखा हैगेट ने लिखा है, या सैंपल ने लिखा है। देखिए द जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी जो है वॉज रिटन बाय, ये आपको याद रखना होगा, ये स्टेलर का लिखे हैं, इसका जो ऑथर है ऑप्शन टू स्टेलर जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसावन बाउन जो है, बाउमैन, इसा बाउमैन जो है एन अमेरिकन जियोग्राफर बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता है, पॉसिबिलिटिस्ट है स्कूल के, और डिटर्मिनिस्टिक स्कूल के, या डुअलिस्टिक स्कूल के, या न्यू डिटर्मिनिस्टिक स्कूल के। फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर पता है आप जरूर लाइव चैट ऑन है आप आंसर बोल सकते हैं, या जस्ट 1 2 3 आप लिख सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं मेरे से डायरेक्ट, यहाँ के आपके साथ आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप नेट की प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो ईशा बाउमैन जो है अमेरिकन जियोग्राफर है, बिलोंग टू क्या है ये सबको पता होना चाहिए, पॉसिबिलिस्टिक स्कूल है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हिच डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी वाज डिस्क्राइब एज द कोर बेसिकली बाय वाइडल डिलब्लास। देखिए ये क्वेश्चन, व्हिच डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी वाज डिस्क्राइब एज द कोर बेसिकली, वाइडल डिलब्लास जो किया था ये फिजिकल जियोग्राफी के था, हिस्टोरिकल जियोग्राफी का था, या जनरल जियोग्राफी का था, या रीजनल जियोग्राफी का था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, व्हिच डिसिप्लिन ऑफ द जियोग्राफी वाज डिस्क्राइब एज द कोर बेसिकली वाइडल डिलब्लास। तो ये बेसिकली क्या किया था, रीजनल जियोग्राफी, यहाँ पे जो है ऑप्शन 4 में रीजनल जियोग्राफी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो दिया गया है, द लैंड वेयर वाटर इज अवंडेड और पीपल आर गे एंड ह्यूमरस व्हाइल द पीपल ऑफ ड्राई एंड एरिड लैंड आर शॉर्ट टेम्परेट, ये जो है ये कौन दिया था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द लैंड वेयर वाटर इज अवंडेड, पीपल आर गे एंड ह्यूमरस व्हाइल द पीपल ऑफ ड्राई एंड एरिड लैंड आर शॉर्ट टेम्परेट, ये जो दिया था कौन दिया था। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इनमें से ऑप्शन 2 में जो है आपका अलमासूदी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बेसिकली, ये जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन, यहाँ पे देखो इज नॉट लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इज नॉट रिटन बाय ग्रीप टेलर, अर्थात टेलर ने नहीं लिखा है, यहाँ जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टेलर ने नहीं लिखा है, वो आपको जवाब देना है। आवर इवोल्यूशन सिविलाइजेशन, आपका एनवायरमेंटल रेस एंड माइग्रेशन, आपका अर्बन जियोग्राफी, मिरर ऑफ अमेरिकन, बेसिकली ग्रीप टेलर जो है उन्होंने जो मिरर ऑफ अमेरिकन बेसिकली जो है वो दिया था, तो इसमें आंसर होगी 4 नंबर जो है, मिरर ऑफ अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे द डिस्क्रिप्शन द डिसीशन
थियोरी ऑफ डिस्कशन थियोरी, डिस्कशन थियोरी ऑफ एशिया वाज ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाय, देखिए ये जो थियोरी किसके द्वारा किया गया था, कई लोग कंफ्यूज में इसका गलत आंसर देते हैं। द डिस्कशन थियोरी ऑफ एशिया वाज ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाय, ये है आपका क्रोपोटिकिन या हंटिंगटन ने दिया है, हेडनर ने दिया है, रेडजेल ने दिया है। तो क्रोपोटिकिन जो है उन्होंने दिया था ये, क्रोपोटिकिन जो है इन्होंने दिया था, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, द ऑथर ऑफ पल्स ऑफ एशिया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ पल्स ऑफ एशिया के ऑथर कौन है, हेडनर ने है, रिटर ने है, हंटिंगटन ने है, प्रिंस पीटर क्रोपोटिकिन जो है, यहाँ पे हंटिंगटन इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायोनियर फ्रिंज, बेसिकली द पायोनियर फ्रिंज वॉज रिटन बाई, पायोनियर फ्रिंज वॉज रिटन बाई जो है ये कौन लिखे, पायोनियर फ्रिंज ये है आपका ईशा बावन ने लिखे थे, ठीक है, ईशा बावन ने लिखे थे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस वॉज प्रोपाउंडेड बाई, सेंट्रल प्लेस जो है कॉन्सेप्ट कौन प्रोपाउंडेड किए थे, मार्क जिफरसन, हंटिंगटन, डेविस, ईशा बावमैन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस ये है मार्क जिफरसन ने, कौन किया, मार्क जिफरसन, इसको याद रखेंगे मार्क जिफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर, द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर वॉज एस्टेब्लिश इन, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर जो है वॉज एस्टेब्लिश कौन ऑब्जर्व हुआ था, 1934 में, 1924 में, 1914 में, या 1904 में, ये जो है यहाँ पे आपको याद रखना है ये बेसिकली 1904 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी आर रीटर, हम्बोल्ट, और यहाँ पे आपका दोनों और आपका पेंग, कौन है फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कौन कौन है, यहाँ पे दोनों है ना, तो अर्थात रीटर हम्बोल्ट दोनों है, यहाँ पे ऑप्शन जो है तीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी इन ब्रिटेन वॉज लेड बाई, ये जो क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी इन ब्रिटेन वॉज लेड बाई, ये आपका जो है यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, हिस्टोरिकल जियोग्राफी ये बेसिकली आपका किसका होगा, मैकेंडर, मैकेंडियर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हु सेड सिमिलर लोकेशन, हु सेड सिमिलर लोकेशन लेड टू सिमिलर मेड ऑफ लाइफ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हु सेड कौन कौन बताया कि सिमिलर लोकेशन लेड टू सिमिलर मेड ऑफ लाइफ, यहाँ पे जो है आपका फुलियर बताया, हम्बोल्ट बताया, रेडजेल बताया, सैंपल बताया, कौन बताया, हु सेड सिमिलर लोकेशन लेड टू द सिमिलर मेड ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आपका आंसर होगी रेड जेल, कौन है ना, रेड जेल ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हु सेड अर्थ इज एन ऑर्गेनिज्म मेड इन इट इज द म्यूटेस्ट डिटेल टू द फिट द नीड ऑफ मैन ऑफ परफेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जब भी नेट का एग्जाम देंगे आप लोग, यहाँ पे हु सेट, यहाँ पे पूछा गया हु सेट अर्थ इज एन ऑर्गेनिज्म मेड इन इट इज द मेनी डिटेल टू फीड द नीड्स ऑफ मैन टू परफेक्शन, तो यहाँ पे स्पिनर ने दिया या ब्रॉन्सिली ने लिखा, होबर ने लिखा, रीटर ने लिखा, तो ये जो है बात वो रीटर का था, तो यहाँ पे आंसर होगी रीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, मैन इज ए प्रोडक्ट, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, ये कौन दिया, मॉन्टेस्क्यू ने दिया, एनुशिन ने दिया, सैंपल ने दिया, या हंटिंगटन ने दिया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपका जो है सैंपल ने दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हु ऑब्जर्व द अचीवमेंट इन सिविलाइजेशन, हु ऑब्जर्व द अचीवमेंट
इन सिविलाइजेशन आर बाउंड बाई ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व दैट द अचीवमेंट इन सिविलाइजेशन आर बाउंडेड बाई ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेविस दिया, हंटिंगटन, मेल और आपका चिस्म। तो हंटिंगटन यहाँ पे दिया है, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज नॉट, फिर इज नॉट के क्वेश्चन है, एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन। जो जियोसिंक्लाइन का थ्योरी है उससे इन्होंने जो है एसोसिएट नहीं है। कौन है वो? भाई जेफरी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन सॉरी, हु इज द पर्सन हु बिलोंग टू द आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे कि हु इज द पर्सन हु बिलोंग टू द आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पे एरिस्टोटल, यहाँ पे रेडजेल, या हम्बोल्ट, या ऑल द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज जो है आपका सभी लोग रहेगा, ये चीज भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिड लैंडफॉर्म थ्योरी, बेसिकली एरिड लैंडफॉर्म थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय डेली, डेविस, पेंक और आपका नान ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है इस तरह क्वेश्चन, ये होगी आपका पेंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, कुछ मैचिंग का क्वेश्चन आपके सामने हम लाया हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है, और ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे मैच के। देखिए यहाँ पे मैच दिया गया है आपका, भेरिनियस दिया गया, हम्बोल्ट दिया गया, रिटर दिया गया, रेडजल दिया, और यहाँ पे दिया गया है आपका यूनिवर्सिटी के नाम दिया है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे भेरेनियस जो है, ये जो है आपका क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर क्या होगी कि बेसिकली भेरेनियस भेरेनियस जो है वो किंग्स बार्क यूनिवर्सिटी से है। हम्बोल्ट जो है वो गुटिन अगेन जो यूनिवर्सिटी है बर्लिन से, रिटर होगी, रिटर बर्लिन, और रेडजेल होगी आपका हेडलबर्ग जो यूनिवर्सिटी है। अर्थात 1 2 3 4, इसका जो सीक्वेंस है आपका सही रखा गया है, इसका आंसर होगी 1 2 3 4 जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन हम जाएंगे, सिमिलर लोकेशन लेड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिमिलर लोकेशन लेड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, ये जो कौन बताया था? ये बेसिकली एलन सैंपल ने बताया था, रेडजल ने बताया था, कांड ने बताया था, या हेडनर बताया था? बहुत सरल क्वेश्चन है, ये है आपका रेडजल ने बताया था, ठीक है। हमारे चैनल में अगर नया है जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह सेशन, इस तरह मॉडल पेपर जो है आपको सेशन मिलते रहेगा। और नया होगी तो जरूर आप सब्सक्राइब और बेल ऑल जरूर प्रेस करें। द पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल स्कूल, ये जो क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे भेरेनियस है, भाइडर डेलब्लास, आपका बूचिनी, आपका नान ऑफ दिस। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आंसर होगी आपका बूचिनी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सजेस्ट यूज ऑफ द ग्रीड ऑफ लैटिट्यूड, ग्रीड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेस ए बेसिक फॉर द लोकेटिंग प्लेस ऑन द वर्ल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किन्होंने प्रथम वर्ल्ड के सजेस्ट यूज द ग्रीड ऑफ लैटिट्यूड, जो अक्षांश द्रव्यमान होते हैं, बेस ऑफ द लोकेशन प्लेस ऑन द वर्ल्ड, किन्होंने किया? हिप्पोक्रेट्स ने किया, एरिस्टोटल ने किया, एराटोस्थेनिस ने किया, थेल्स ने किया? तो इसमें हिप्पोक्रेट्स ने किया है, ये ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हम किसको बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपका पॉम्पनियस मेला को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पॉम्पनियस मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द फर्स्ट जियोग्राफर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मन टू द ग्रीक, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट जियोग्राफर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मन, जियो नॉर्मन जो है टू द ग्रीक वाज, यहाँ पे कौन होगी? एराटोस्थेनिस, अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल, ऑस्टियर्स?
बेसिकली ये जो है एनाक्सिमेंडर होगी, इसका आंसर होगी एनाक्सिमेंडर। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, द फर्स्ट अरबियन जियोग्राफर, फर्स्ट अरबियन जियोग्राफर टू गिव एंड द अकाउंट ऑफ पीरियोडिक विंड, यहाँ पे कौन पीरियोडिक विंड का जो पहला दिया है, तो यहाँ पे आपका होगी अलमासूदी ने, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन में चलेंगे, फिर एक मैचिंग क्वेश्चन है, काफी बार आया है नेट एनटीए नेट में, और काफी आप लोग गलत आंसर दे देते हैं, इसको ध्यान से करना है। और ये जो मैचिंग आया है, इसमें आपको बता दूं, एब्सोल्यूट पार्ट, रिलेटिव पार्ट एंड कंपैरेटिव पार्ट मैच द पेयर्स पार्ट ऑफ देयर कंटेंट। एब्सोल्यूट पार्ट बेसिकली यहाँ पे जो देखने को मिल रही है मुझे, कि एब्सोल्यूट पार्ट जो है वो फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट द अर्थ, ये होगी, अर्थात ये का हो जाएगा 3, और रिलेटिव पार्ट जो है वो हो जाएगा रिलेशनशिप ऑफ अर्थ विथ स्टार, और कॉम्पेरेटिव जो है वो हो जाएगा आपका कॉम्पेरेटिव जो हो सरफेस डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जो आंसर हो जाएगा 3 2 1 जो है, ये सीक्वेंस इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, तो मैचिंग यहाँ पे रिचर्ड हॉकलेट और गेल फेचर और कारपेंटर का आया है, और इधर दिया है प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोवियत यूनियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आपका जो होगी, आपको बता दूं, ये जो रिचर्ड हॉकलेट है ये प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन के हैं, और आपका गेल फेचर यूनियन जो है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सोवियत है, अर्थात ये ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन जो है आंसर ऑलरेडी दे दिए हैं, ए का 1 होगी, बी का 2 होगी और सी का 3 होगी। चलिए नेक्स्ट अनदर जो मैचिंग है आपके सामने, मैच द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो दिया गया है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, पाल्स ऑफ एशिया, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, आपका एनवायरनमेंट, रेज एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पे आपका मैचिंग देखने को ये मिल रही है कि इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है वो आप सब लोग जानते हैं इसी सैंपल का है। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर, पाल्स ऑफ एशिया जो है आपको पता है कि हंटिंगटन का होगी, तो 3 के बाद आ जाएगा 2, जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ये हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल, और आपका एनवायरनमेंट रेस एंड माइग्रेशन जो है वो आ जाएगा ग्रिप टेलर। तो यहाँ पे 3 2 4 1 जो है सीक्वेंस वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैचिंग फिर एक मैचिंग है आपका, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म जो है और प्रोबेबिलिज्म जो है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, यहाँ पे किसका क्या है? तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म जो है, पॉसिबिलिज्म ये आपका एथम का है, और प्रोबेबिलिज्म जो है वो स्पैट का है, और ग्रिप टेलर का स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पे आपका क्लियर दिख रहा है कि पॉसिबिलिज्म जो है फेवर का है, तो 1 2 4 3 यहाँ पे जो सिक्वेंस है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैचिंग है, मैं मैचिंग इसलिए लाया हूँ कि हर परीक्षा में आते रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मल रीजियन, फंक्शनल रीजियन और आपका जेनेरिक रीजियन और आपका स्पेसिफिक रीजियन, ये 4 रीजियन दिया गया है, और भावर, सवक्स और आपका गंगा बेसिन और आपका कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि फॉर्मल रीजियन जो होते हैं वो कोस्टल प्लेन में जाएगा, फंक्शनल रीजियन जो है वो गंगा बेसिन में जाएगा, जेनेरिक रीजियन बेसिकली सबक्स हो जाएगा, और सावर जो है ए भावर, भावर पैसिफिक रीजियन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर होगी आपका 4 3 2 1 कॉम्बिनेशन, 4 3 2 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच अमेरिकन जियोग्राफर कैरिड ऑन द कांट हिडनर ट्रेडिशन फॉरवर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हिच अमेरिकन जियोग्राफर कैरिड ऑन द कांट हिडनर ट्रेडिशनल फॉरवर्ड, यहाँ पे जो है आपका होगी हार्टसन होगी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हार्टसन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पे वन जर्मन जियोग्राफर फॉलोड द केंटेन ट्रेडिशन ऑफ स्पेस, बेसिकली ही कौन है, वेरी इंटरेस्टिंग है, हम्बोल्ट है, रिटर है, अल्फ्रेड हेडनर है, रिस्थोपेन, ये अल्फ्रेड हेडनर है ना, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए पायनियर अटेम्प्ट ऑफ डिलिनेटिंग मेजर नेचुरल रीजियन ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
यहाँ पे कई बार कोई प्रश्न जो है घूम फिर के आया है नेट में, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग मेड ए पायनियर एट एम द डिलिमिटिंग मेजर नेचुरल रीजियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगी। इसका ए जे हार्बर्टसन होगी, क्या होगी, ए जे हार्बर्टसन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, फिर एक मैचिंग क्वेश्चन, मैं बहुत सारा मैचिंग क्वेश्चन लाइव सेशन में बता रहा हूं ताकि आपको कई प्रकार के मैच आ सकता है नेट एग्जाम में। जैसे किताबुल हिंद लिखा है, कॉस्मोस लिखा है, अर्धकुंड लिखा है और दस असलन लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत ही सरल है। बताओ किताबुल हिंद कौन लिखे थे, अलबेरूनी लिखे थे। कॉस्मोस किसका है, हम्बोल्ट का, और आपका अर्धकुंड किसका है, रीटर का, और दस असलन किसका है, ऑस्कर पैसेल का। तो 4 1 2 3 कॉम्बिनेशन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैचिंग है। मैच द फॉलोइंग फ्रेंच जियोग्राफर एंड देयर मेन कॉन्ट्रीब्यूशन फील्ड। फ्रांस जियोग्राफर के कॉन्ट्रीब्यूशन फील्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पॉलिटिकल जियोग्राफी, कॉलोनियल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी और मेगालोपोलिस। तो यहाँ पे पॉलिटिकल जियोग्राफी, कॉलोनियल जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, मेगालोपोलिस, ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे बताइए, तो पॉलिटिकल जियोग्राफी आपका हो जाएगा किसका, सेक्फ्रेट के हो जाएगा, ये बॉडीज का आपका कॉलोनियल जियोग्राफी, और फिजिकल जियोग्राफी डी मार्टन का होगा, और लास्ट में क्या है आपका, मेगापोलिस जो हो जाएगा जेन गॉडमैन का हो जाएगा, ठीक है। इसका 4 1 2 3 कॉम्बिनेशन ये मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है भाई, द क्वांटिटिव रिवोल्यूशन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वांटिटिव रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन जो है कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये जर्मनी, आपका यूके, यूएसए, फ्रांस, ये तो सबको पता है भाई, ये आपका हुई थी यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑथर ऑफ मॉडल, द ऑथर ऑफ मॉडल इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वेरी क्विक क्वेश्चन है, क्विक आंसर चलेगी। द ऑथर ऑफ मॉडल इन ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जवाब दीजिए। ये आपका महान ईराज, ये आपका आएगा, क्या आएगा, महान ERJ चार्ले, ठीक है, इसका आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करें टाइम के साथ, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपका एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइप के मॉडल पेपर प्रैक्टिस है। द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रीजनल स्टडी, एक बार पढ़ना है, एक बार सीधा आंसर बताना है लाइव चैट में। द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रीजनल स्टडी स्पेशली रीजनल सर्वे, तो ये मैकेंडर, मिल, सर पैट्रिक गेट्स या फुलियर, इसका होगी। आप 1 2 3 4 लाइव चैट में भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका जवाब सही होगी कि सर पैट्रिक जस्ट जो है वो आंसर होगी, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन में जाएंगे, ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, द कोरिडर ऑफ टाइम, द कोरिडर ऑफ टाइम ए मोन्यूमेंटल वर्क ऑफ HJ फुलर, रिटन इन द कोलाबोरेशन, किसके साथ कोलाबोरेशन था, ये जो लिखा हुआ काम है, इसमें आपका सही आंसर होगी HJE डेक के साथ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये बुक से रिलेटेड है, थॉट में बुक ऑथर को अच्छे से याद रखना है। द बुक मैन एंड हिज वर्क, ये कौन लिखे थे, द बुक मैन एंड हिज वर्क, ये जो बुक है इसका रिटन बाय कौन है, हार्बर्टसन ने लिखे थे, हार्बर्टसन से वाइफ डॉर्टरी ने लिखा था, या आपका एक दो अर्थात हार्बर्टसन और इनका जो वाइफ दोनों ने लिखा था, या मैकेंडर ने लिखा था, तो यहाँ पे बोध लिखे थे, ठीक है, बोध लिखे थे, कौन कौन लिखे थे, कि हार्बर्टसन भी लिखे थे और हार्बर्टसन वाइफ डरोथी जो है वो भी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रिलिंग ऑफ नेचर, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब लोग जानते हैं कि इस टाइप क्वेश्चन कई बार आ चुका भी है। रिलिंग ऑफ नेचर जो है वॉज रिटन बाय HJ हार्बर्ट, मिल, मैकेंडर, आपका महान, आपका हार्बर्टसन, ये आपका HJ हार्बर्ट मिल के है, इसको याद रखिएगा, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि थॉट बहुत ही बहुत क्वेश्चन आएगा थॉट से, कई लोग को बोरिंग लगता है कि थॉट सर याद नहीं रहता, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो थॉट को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लिस्ट ऑफ बुक नेम, ऑथर नेम, ये सब बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप थॉट का आंसर दे नहीं पाएंगे। मैकेंडर, मेरे पास मेरे नेट के जो प्लेलिस्ट है वहां पे बहुत सारा वीडियो है एंटी नेट के, वो जरूर फॉलो करें।
मैकेंडर रोड, यहाँ पे मैकेंडर ने क्या चीज लिखे थे, द डेमोक्रेट आइडिया एंड द रियलिटी, द ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सी, मैन एंड हिज वर्क, यहाँ पे कौन सा होगी, यहाँ पे आंसर होगी आपका मैकेंडर जो लिखे थे, ये दो लिखे थे, द डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी भी लिखा था और द ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सी ये भी लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, फोर नंबर में जो है, एक और दो जो है दोनों लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखिए फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ब्रिटेन, जो आपका ब्रिटेन है, वाज लेड बाई, तो इसमें ये बहुत ही सरल आंसर हो, ये आपका हो जाएगा कौन सा, मैकेंडर हो जाएगा, मैकेंडर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सी इज ऑथर्ड बाई, ये भी इजी है, कौन है, वही मैकेंडर ही आएगा। ठीक है नेक्स्ट, द माइग्रेशन जोन थ्योरी, ये बताइए आप लोग, द माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड। ठीक है, द माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाई कौन है? है कौन है ये, टेलर। ठीक है, इसके आंसर क्या होगी, टेलर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे द माउंटेन ड्वेलर इज एसेंशियली कंजर्वेटिव, द हेंस इनोवेशन इज रेपुगनेंट टू हिम द स्पीक ऑफ, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या होगी, डिटर्मिनिज्म होगी, पॉसिबिलिज्म और प्रोबेबिलिज्म, क्या होगी यहाँ पे, होगी डिटर्मिनिज्म इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग लाइव चैट कर सकते हैं, हमारे साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। द ऑथर ऑफ फिजियोग्राफी, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ फिजियोग्राफी, ये क्लासिक ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, इसमें किसका है, सैंपल, हंटिंगटोंग या सेल्सबरी या टेलर, तो ये है आपका सेल्सबरी का है, किसका है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द ऑथर ऑफ पल्स ऑफ एशिया, ये मैं बताया था पल्स ऑफ एशिया का, ये डबल बार रिपीट हुआ है, हंटिंगटन के है। ठीक है, पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन, इसको याद रखना। ग्रिप टेलर बिलोंग टू, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्रिप टेलर जो है वो कौन सा है, जियोग्राफर, जर्मन जियोग्राफर है, ब्रिटिश जियोग्राफर है, ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर है, अमेरिकन जियोग्राफर है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि ग्रिप टेलर कौन थे, बिलोंग टू कौन से जियोग्राफर थे, ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर थे ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे प्रोबेबिलिज्म, आइडियलिज्म, पॉजिटिविज्म, एक्सटेंशियलिज्म, तो यहाँ पे आपका आंसर होगी पॉजिटिविज्म, क्या होगी, पॉजिटिविज्म इज द करेक्ट आंसर। थॉट में सब लोग डरते हैं कि इसमें सही नहीं हो पाते, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं होता इसलिए आप डरते हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट, इमेज एंड डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट पर्सन टू ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, आपका रेडिकलिज्म और आपका वेलफेयर अप्रोच, तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म जो है वो आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द न्यू डिटर्मिनिज्म स्कूल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इसका आंसर आपको देना है, ये होगी आपका फेडरिक रेडजेल, इसका है ये फेडरिक रेडजेल। तो थैंक यू सबको हमारे लाइव सेशन में, और आपने इतना ध्यान से सुना, और ये जो थॉट के सेशन में कुछ क्वेश्चन में आपके सामने रखा, और ताकि मैं ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह प्रश्न जो है आपके सामने आने वाला है और आप प्रिपरेशन किस तरह लेंगे, यहाँ पे एक प्रकार मैचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि बुक ऑथर नेम कौन से जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो आप इस तरह प्रिपरेशन लीजिए, आप नोट्स बनाइए, और ताकि आप इंटरनेट क्रैक कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन इस तरह लेना होगा। चलिए, और जो चीज मैंने बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे चैनल में नया है जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह वीडियो उसको मिलते रहेगा। ठीक है, आप सबको फिर से हैप्पी होली, और फिर मिलेंगे संडे लाइव में, आपका जियोग्राफिकल टेक्निक्स
ऊपर जो एमसीक्यू है उसको लेके मैं आऊंगा। थैंक यू टू ऑल।